सुबह सुबह मेरे हाथ में देखो क्या है, पार्सल जो कि मैं खुद खोल रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपको क्यों नहीं बताऊं, तो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। मैंने 2 से 3 कॉम्बो मंगाए हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। चलो फिलहाल इसको ट्राई करते हैं। एक और पार्सल आ गया, शायद वो क्रीम होगी, पता नहीं, टॉप ही दिख रहा है शायद। अच्छा दूसरा भी आ गया क्या? तो गाइस ये वो पार्सल आया है जो कि मुझे पसंद था, पहले वाले जो मैंने आपको बताए थे, ये वाले, ये खुशी ने सिलेक्ट करके जो मंगाए थे। लेकिन ये एक जो टॉप था ना, ये मुझे बहुत पसंद था और फाइनली आ गया। तो गाइस आज खाने में बनी है कढ़ी, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। तो गाइस ये टाइम है फिलहाल पार्सल को अनबॉक्स करने का। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं क्या बताऊंगी, मतलब आप सब जितने भी कॉलेज में हैं उन सब के कांग्रेचुलेशन गाइस, सेमेस्टर के एग्जाम आ चुके हैं जिसमें शामिल भी हम हैं। खुशी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बस अपनी फ्रेंड को फोन कर रही थी कि कल कौन सा पेपर। वाह खुशी, वाह। मैं सोच रही थी पढ़ाई शुरू कर दूं। खुशी कल है पेपर, मेरा कौन सा है? हम दोनों ही कॉलेज में, आप सबको पता है, ये मैं फर्स्ट में हूँ, ये सेकंड में, मैं फर्स्ट में, सेकंड में। अरे कहना क्या चाहते हो? बस ले लो। आप सब समझ गए होंगे कि मैं सेकंड में हूँ, ये फर्स्ट में हूँ। हम दोनों के इस सेमेस्टर एक साथ आए हैं। पिछले कुछ 7 दिनों से हम ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि UPSC हमको क्लियर करना हो। और खास करके खुशी, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए ही बैठी रहती है। 75% ले आऊंगी, और क्या चाहिए मुझे, कौन सा 99 लानी है पागल। मैं तो यूं भी लगा के बैठी हूँ पास होना है। तो बस उसी चक्कर में हम रेगुलरिटी तो बिल्कुल छोड़ो, 7 दिन से हमने मोबाइल को छुआ भी नहीं है। आईफोन बोला है हेलो हमको छू लो प्लीज, शॉर्ट्स बना लो, वीडियो बना लो, लेकिन क्या करे गाइज, टाइम उतना ही है। क्या कर रही हूँ पागल, 7 दिनों से मैंने मोबाइल उठा के नहीं देखा गाइज, मुझे कैसा लग रहा है, मेरा बिछड़ा हुआ प्यार मुझसे मिल गया है। फिलहाल गाइस आप लोग ब्लॉग्स की, रेगुलर ब्लॉग्स की तो बिल्कुल उम्मीद मत करना। 1 से लेके 10 तक सेमेस्टर चलेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद हम बिल्कुल गाइस एक सुई का भी टाइम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे रेगुलर ब्लॉग्स आए आपके लिए। एक प्लान भी करने का सोचा है। कौन है? क्या नाम? मैंने आपको पहले भी बताया है ये वाला पार्सल मेरा फेवरेट है, तो चलो इसको जैसा उम्मीद किया है वैसा ही पाएंगे, फिलहाल उसको फाड़ेंगे। अगर ऐसा पीछे जो सब्जी देख रहे हो, वो देख रहे हो आप कितनी सारी सब्जी है, ऐसा लग रहा है हम लोग भुक्कड़ है, एक दिन में खा जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है, ये भर के सब्जी आती है कम से कम 1-1.5 हफ्ते के लिए। कलर जैसा था वैसा ही है, ये नाइट सूट जैसा लग रहा है, कुछ कुछ निकाल मुझे फीलिंग आ रही है। नहीं नॉर्मल है, मैं ट्राई करके आती हूँ गाइस। अब क्रॉप टॉप है गाइस, जी क्रॉप टॉप नहीं है, टी शर्ट है, क्रॉप टॉप है, तो ट्राई करके आओ। तो गाइस ये वाला भी पार्सल खोल ही लेते हैं, क्योंकि मैं 4-4 टी शर्ट, वो इतनी गर्मी में कौन पहनेगा, मैं अकेली तो नहीं पहन सकती, तो मैं पहनाने वाली हूँ खुशी को, जो कि खराब खराब खुशी पहन लेगी और अच्छी अच्छी मैं पहन लूँगी। अब मैं खराब भी पहनती हूँ ना, उसमें भी अच्छी लगती हूँ। वैसे ये बच्चों की नहीं लाते थे पहले अपन, मतलब बच्चों की टी शर्ट नहीं लग रही छोटी छोटी? नहीं, हाँ ये वाली जरूर लग रही है, वैसे अच्छी है सारी। गाइस व्हाइट कलर की, हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं है, हम बहुत कंजूस है व्हाइट कलर में सिर्फ, इसीलिए इस बात का ध्यान ज्यादा रखा गया है कि ब्लैक को इग्नोर करके सिर्फ व्हाइट कपड़े मंगाए। मेरे को तो येल्लो और ब्लू दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लू नहीं है, व्हाइट एक बिंदी भी हो लेकिन है, ये रब व्हाइट एक बिंदी भी हो लेकिन ब्लू होनी चाहिए। छड ये तो मेरी है, तो मैं ही पहनूंगी, कंफर्म है। तो गाइस एक टी शर्ट ये है और ये है ये वाली। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दो कि कौन सी ज्यादा बेहतर लगेगी मुझ पे। मेरे को तो ये वाली दे दे, या फिर ये वाली ठीक है, ये वाली और कौन सी लेगी? तो ये पीली हो गई तो ये दे दे। ओके तो गाइस मैं ये पहन के आती हूँ, मैंगो बन के आती हूँ। रेडी गाइस, तो जल्दी से बता दो ये वाली टी शर्ट मेरे पे कैसी लग रही है, और दूसरी ये रही मैंगो शेक, अच्छी लग रही है मैंने जो पहनी है। अरे भाई नहीं अच्छी लग रही है, काफी अच्छी है गाइस, मेरी चॉइस आप देख रहे हो, मतलब मंगवाई तो मैंने, तो इस भैया की तरफ से भी काफी अच्छी लग रही है उसको भी, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लग रही है। अच्छी वाली है, और सेकंड ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं होना कि किसी ने ब्रेक कर लिया और ऐसे कर उसकी छींटे मार दी।
इंक के, लेकिन अच्छी लग रही है। वो क्या है ना कि हमारे पास वाइट कपड़ों की ज्यादा कमी है, तो हमको हर चीज अच्छी लग रही है। वाइट एंड लाइट, हाँ सच में अच्छी लग रही है। देखो तो अच्छी लग रही है, अच्छी टी शर्ट मंगाई मैंने। थैंक यू फॉर दिस सीरियसली कॉम्प्लीमेंट। गाइस ये पागल हो गई है, पढ़ पढ़ के साथ दिमाग खराब हो गया है। राउंड नंबर 3 ऑफ एग्जाम। तो गाइस ये मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आलस। तो इस कमेंट में बता दो कि कौन सी टी शर्ट किस पर ज्यादा अच्छी लगी और आपको कौन सी पसंद आई, ये भी बता देना। One hour later. तो गाइस कुछ की पढ़ाई वापस से स्टार्ट हो गई। लैपटॉप देख के आप चौंकना मत क्योंकि एंड टाइम पर कैसी पढ़ाई होती है आप सबको पता है। कुछ बताएंगे कैसी पढ़ाई होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समरी, यही सब पढ़ाई होती है इन टाइम पे। तो गाइस फिलहाल खुशी की एक दवाई खत्म हो गई है जो कि इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए, पर उसने मुझे बताया नहीं और उस दवाई को खत्म हुए 2 दिन हो गए, तो मैं वही दवाई को लेने जा रही हूँ। होपफुली मिल जाए आज संडे, बिकॉज तो पता नहीं है मिलेगी। और भैया भी मेरे साथ जा रहा है। ऊपर से गाइस एक टेंशन और है, आज संडे है ना तो दुकान बंद रहेंगी चालू रहेंगी पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है क्या होगा, देखते हैं। तो गाइस भैया गया है दवाई लेने के लिए, जिस दुकान से हम लोग लेते हैं वो दुकान तो फिलहाल बंद है, तो भैया दूसरी दुकान पर लेने गया है और देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि उसके अलावा बहुत ज़्यादा रेयर है कि मिल जाए, पता नहीं देखते हैं। लेकिन मिल गई फाइनली दवाई मिल गई। अब हम लोग जा रहे हैं खुशी के लिए मोमोज लेने के लिए, क्योंकि बेचारी बच्ची सुबह से पढ़ रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, और कल उसका पेपर है तो, और उसको मोमोज अच्छे भी लगते हैं इसीलिए। बर्गर मिला नहीं था वरना बर्गर भी ले लेते, क्योंकि आज संडे ना तो ज्यादातर दुकानें बंद ही थी। 30 minutes later. अभी तक पढ़ दिए गाइस, चलो देखते हैं। खुशी हम आ गए। क्या? हाँ मिल गई। वो वाली दुकान पे नहीं थी लेकिन दूसरी दुकान पे मिल गई उसी रेट में। हाँ और तूने पूछा मामा, तूने पूछा कि वो दूसरी वाली किस काम आती है? अरे भैया लेने चला गया तो बताए क्या सर्व करके लेके आऊँ। हाँ ले आते। हाँ तो बता अभी बताए क्या हुआ। तब मैं वो देख रही हूँ इंडियन नेशनल वुमन, जिसमें है ना वो भारत पे यूरो कोलैबोरेट मान ले ठीक है, तो फिर है ना मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी, तो मैं यूरोप की जगह बताए क्या बोलती हूँ, यूट्यूब। बार में मैंने की दीदी को बताऊंगी। खुशी फ्राइडे स्ट्रीम दोनों खाएगी? तेरे को पसंद कौन से हैं? इसीलिए तो मैं वो हाफ हाफ करवा के लेके आई। टेस्ट करके बताएगी बोल रही है। हमारे घर में किसी को भी मेयोनीज पसंद नहीं है, जिसको पसंद है वो खोल के खाएगा। रेड चटनी सबको पसंद है, चलो देखते हैं खुशी को कौन सा पसंद है। ये ले। मैं अकेली ही खाऊंगी ना, ये मेयोनीज के करवा के लाए हो बहुत गंदी लगती। वो वाली अच्छी लगती है, अपन पैक्ड लेके आते हैं। आज तो शौक कैसे पढ़ाई लाने? अरे मैंने कहीं सुबह से पढ़ाई कर रही, बेचारी कल एग्जाम है तो थोड़ा सा ट्रीट देनी चाहिए। पेपर ट्रीट है ये तेरी। रोज पढ़ जा करती। आई मिस चटनी। ये बताया सूखे लाल मिर्च भी होती है। आई लव्ड इट। यू एंजॉय फ्राइड स्टीम? Pride. मेरी बहन है तू। तो रात के खाने में है रोटी पापड़ लौकी की सब्जी और कैरी का रायता। 3 hours later. मैं बिल्कुल उंगली नहीं हिलूंगा अपनी, ऐसे उंगली होती है ना वो भी नहीं हिलेगी। और अगर तूने हिलने की कही और तूने अगर मन में भी बोला और हमें आभास हो गया तो हम उठ के आ जाएंगे। सीधी बात है। ये क्या चीटिंग है? पूरा का पूरा तेरे को ही बनाना है, बस खाने हम हेल्प करेंगे। चार में बंटवारा होगा। तो फिर खाऊंगी भी तो मैं अकेली ही ना। हाँ तो फिर चली जाओ। चली जा, हम भी तो जाके बैठेंगे, हमारा भी तो योगदान है। बहुत बुरी स्थिति है। कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ फिर। नहीं चलो चलो ठीक है दीदी। पानी की भी नहीं सोचना भी नहीं काम की। ड्राई फ्रूट्स भी कट नहीं करेंगे। मैं बस कमरे में पंखा चालू करके बैठ जाऊंगा। ठीक है चलो। तो मैं तो पंखा चालू भी नहीं करूंगी। टाइम कितना हो रहा है? 10:30। तो गाइस अभी टाइमिंग हो रहा है 10 बजे और सबको ये क्रेविंग हो रही है कि कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, भले ही रात में ही सही। इन लोगों का मन है और मेरे को सारा काम ये दे रहे हैं, मैं ये करूंगी मैं ही वो करूंगी वाह, और ये लोग खाएंगे मैं शक्ल देखूंगी इनकी। यही तो टैलेंट होता है। तेरे याद का सूजी का ओलो। क्या डर गई? ऐसे कौन डरता? तेरे याद का मुझे सूजी का हलवा पसंद है, बाकी दुनिया तो बेकार है। बेकार है भैया। देख पूरी जिम्मेदारी जब तेरे हाथों में बनाने की तो फिर खाऊंगी भी ना मैं तो। ना चीटिंग नहीं। सिलेंडर तो चालू कर लो। बंद है क्या? चालू कब रहता है? रात को आंखों में नींद भरी है फिर भी हलवा खाना है इनको। एक वो बैठा है एक ये रहे। इसीलिए क्यों ना मैंने वजन तोला था अपना पूरा 250 ग्राम कम हो गया। इस खुशी में तो 50 किलो वजन बढ़ाने वाली हो। 5 किलो
तो गाइस बड़ी बहनोना भी है, कभी भी मुंह उठा के ये भाई बहन बोल देते हैं और अपन को करना पड़ता है, दुख है ये। मेरी तरह कौन कौन बड़ी बहन है जल्दी से कमेंट कर दो। तो गाइस हमारा हलवा बन गया है जो कि बहुत टेस्टी था बिल्कुल, और सभी लोगों ने खा के खत्म भी कर दिया। चलो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय।